दोस्तों, क्या स्केचिंग के दौरान डिटेलिंग करते हुए आपको भी आती है सेम प्रॉब्लम? जरूर आती होगी। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मोनो इरेजर या जीरो इरेजर। लेकिन जब हम मार्केट में इसको परचेज करने जाते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है और कई जगह पे ये अवेलेबल भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 8 टिप्स में कि किस तरीके से आप सिर्फ 2 रुपये में अपने घर पर ही अपना मोनो इरेजर तैयार कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, आइए देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की 8 टिप्स में फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मैं हूँ लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं काफी हाईली डिटेल्ड आर्टवर्क पे काम कर रहा हूँ, जिसमें काफी स्मूथ डिटेलिंग्स हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं। तो ये डिटेलिंग्स किससे आती हैं? जब हम पेंसिल के द्वारा शेडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं ब्लेंडर के द्वारा, उसके बाद हमें इसको इरेजर के थ्रू डिटेलिंग करनी होती है। अब जब भी मैं इन इरेजर्स के साथ जाता हूँ इसमें डिटेलिंग करने के लिए, तो हमें काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें काफी माइन्यूट सी डिटेलिंग हमें करनी होती है। हमें लिप्स पे डिटेलिंग करनी है, हेयर पे डिटेलिंग करनी है, या कहीं भी डिटेलिंग करनी है, तो इस इरेजर का हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होता है? वो होता है मोनो इरेजर। अब जो मोनो इरेजर्स होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, 200 से 300 रुपए के बीच में मार्केट में मिलते हैं, और ये कहीं कहीं अवेलेबल नहीं भी होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने घर पे ही अपना मोनो इरेजर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने किस तरीके के अपने इरेजर्स तैयार किए हुए हैं। ये ट्राइंगल शेप में मैंने अपना इरेजर तैयार किया हुआ है, जिसका यूज मैं इसमें डिटेलिंग के लिए करता हूँ। और भी मैंने इरेजर तैयार कर रखे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 तरीके के इरेजर्स हैं। तो इसी तरीके का एक इरेजर आज हम तैयार करेंगे और हम किस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे हेयर आप देख सकते हैं, इनमें मुझे अगर डिटेलिंग करनी है तो मैं इस इरेजर से नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। अगर मैं इससे डिटेलिंग करने जाऊंगा तो इसमें काफी बेकार डिटेलिंग आएगी। तो अगर मैं इससे अपने इस मोनो इरेजर से डिटेलिंग की सोच रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कहीं भी स्मूथली एक माइन्यूट सा डिटेलिंग भी दे सकता हूँ इसमें। तो दोस्तों, इस पूरे आर्टवर्क में मैंने इन्हीं दो इरेजर्स की मदद से मैंने इन पूरी डिटेलिंग करी हुई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने ये दोनों मोनो इरेजर्स तैयार किए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के आपको इरेजर, हार्ड इरेजर्स कहीं भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, 5-10 रुपए में मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें कोई भी पेन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो कि वेस्ट हो, मुझे ये मिला है जिसमें मैं अपना मोनो इरेजर तैयार कर सकता हूँ। ये जो आगे का कवर है, इस कवर का मैं ऑलरेडी यूज कर सकता हूँ मोनो इरेजर बनाने के लिए। अब हम इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम इस इरेजर को एक शेप में, एक पर्टिकुलर शेप में कट करेंगे। अब मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कट कर रहा हूं। किसी भी टूल से इसका कटिंग कर सकते हैं। मैं डिटेल नाइफ का यूज कर रहा हूं इसको कट करने के लिए। काफी आसानी से कट हो रहा है। प्रिसाइसली आपको इसको कट करना है। देखिए दोस्तों, मैंने कट कर दिया है। अब इसकी जो निब है काफी इसकी जो निब है काफी पतली है, इसका मतलब कि इससे काफी हाईली डिटेलिंग हम इसमें कर सकते हैं। अब इसको हमें इसके अंदर फिक्स करना है। देखिए दोस्तों, हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसके लिए। अब मैं चाहूं, मैं अगर इससे अगर डिटेलिंग करने की सोचूं, तो आप देख सकते हैं मैं स्मूथ स्मूथ
डिटेलिंग इससे कर सकता हूँ। अब आपको अगर इसको किसी और शेप में कट करना है तो आप और शेप में भी कट कर सकते हैं इसको। देखिए मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट किया है। इससे अगर मैं डिटेलिंग करने जाऊंगा देख सकते हैं काफी बढ़िया इससे डिटेलिंग हो रही है। तो जब आपका 10 रुपए 5 रुपए में काम हो जा रहा है तो आपको 200-300 रुपए का मोनोरेजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। उस मनी को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इससे इस तरीके के आप इरेजर्स अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ मेरे आर्टवर्क्स हैं जो इन्हीं मोनो इरेजर्स का यूज करके बनाए गए हैं। आप इनको देखिए और एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा आर्टवर्क आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।